हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी होगी। मान लेते हैं आप अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे हैं और चलते चलते आपकी गाड़ी में अचानक से इंजन सीज हो गया। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उसमें पानी चला गया है, उसका ऑयल निकल गया है, गाड़ी ओवर हीट हो गई है, लेकिन इंजन सीज हो गया है। क्या करेंगे आप? परेशान हो जाएंगे, यार ये बड़ी आफत आई। लेकिन मन में एक शांति रहेगी। क्या आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं तो आप अपनी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी होगी या गाड़ी अभी वारंटी में होगी, इंश्योरेंस भी ले रखा होगा। हम इतने समझदार हैं, हमें पता है नॉर्मल इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्शन नहीं आती है, तो हमने इंजन प्रोटेक्टर कवर भी ले रखा होगा। यार कल को अगर बाई चांस इंजन में कोई दिक्कत आ जाती है तो उस केस में हमारा इंजन जो है प्रोटेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए चलते चलते कहीं बारिश हो रखी है, बाढ़ आ गई है, पानी घुस गया है इंजन में, तो इन दैट केस वारंटी तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ये तो एक्सीडेंटल डैमेज है। तो उस केस में फिर इसको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर करती है, तो वो हमें एक थोड़ी शांति। यार हमने सब कुछ ले रखा है, हमने गाड़ी को टो कराया, हम उसको सर्विस सेंटर में लेके गए कि इसको क्लेम अगर होता है तो क्लेम में, और वारंटी में होते तो वारंटी में आप इसको ठीक करा के दो। तो कंपनी ने उसको चेक किया तो बोल रहे हैं ये वारंटी में ठीक नहीं हो पाएगी, आप इसका क्लेम ले लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने बोला ये क्लेम नहीं मिलेगा आपको। अब आपकी आंखें खुली है, ये हुआ तो हुआ क्या? मैंने वारंटी भी ले रखी है, इंश्योरेंस भी ले रखा है, और दोनों ही मना कर रहे हैं। अब आप उनसे रीजन पूछना शुरू करेंगे, लड़ना थोड़ा शुरू करेंगे। अब सर्विस स्टेशन की तरफ से आपको बताया जाएगा कि ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। गाड़ी ने आपको ओवरहीटिंग का साइन जो है वो दिखाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत बार होता है ना, हम चलते रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है। अब गाड़ी ने आपको ओवरहीटिंग का साइन दिखाया, आपने नहीं देखा, उसकी वजह से जो है इंजन सीज हो गया है। वो हमने इसमें जब अपना OBD टूल लगाया है तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम आ गया है। 15 मिनट पहले इसमें ओवरहीटिंग का साइन आया था, आपने नहीं देखा। अब आप गए कंपनी की तरफ, वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, कि आप तो दो, हमने इसी चीज के लिए तो इंश्योरेंस लिया था, कल को अगर डैमेज हो जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंटली ही तो डैमेज होता है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, एक्सीडेंटल डैमेज के भी कुछ रूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लापरवाही से आप गाड़ी चलाते चले जाओगे। अगर हम जानबूझकर कहीं ठोक देते हैं तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता है ना। तो आपने जानबूझकर इंजन को जो है डैमेज किया है, क्योंकि गाड़ी ने बोला था इसको बंद कर दो, ओवरहीट हो चुकी है, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जानबूझकर आप चलाते रहे तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है डैमेज हो गया, आपको डैमेज का अब यहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा। तो अब हमें समझ में आया ये क्या हुआ। एक और केस हम पकड़ के चलते हैं, हमारी गाड़ी कहीं पर खड़ी है। मेनली क्या बोला जाता है, जब भी हम इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्शन कवर लेते हैं, उसका फायदा क्या है, बोला जाता है अगर आपकी गाड़ी के इंजन में पानी चला जाता है ना तो आपको क्लेम मिल जाएगा। उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपकी गाड़ी खड़ी है, बाढ़ आ गई, दो चार दिन के बाद पानी उतर गया। अब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें पानी था, आपने स्टार्ट की, आपकी लापरवाही है, इसमें पानी था, आपने इसको स्टार्ट किया तो इंजन डैमेज हो गया, तो नहीं मिलेगा क्लेम, नहीं मिलेगा वारंटी, तो वैसे ही नहीं मिलनी है। और अगर आपने यूं की यूं गाड़ी, बाढ़ का पानी उतरा, आपने यूं की यूं गाड़ी को टो कराया, सर्विस सेंटर में लेके गए, तो आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि वो जितना डैमेज हुआ है ना उसका आपने इंश्योरेंस ले रखा था, उससे एक्स्ट्रा जो आपने डैमेज किया है, बाढ़ की वजह से डैमेज नहीं हुआ, आपके स्टार्ट करने की वजह से डैमेज हुआ है, उसका आपको क्लेम नहीं मिलता है। एक और केस क्या है, यार पानी चला जाएगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, पानी चला जाएगा, हमने क्लेम के लिए मतलब इंश्योरेंस इसका ले रखा है, एड ऑन कवर ले रखा है, तो हम क्या करें, चलाते चले जाएं, कहीं पानी भरा हुआ कोई नहीं गड्ढे में से निकाल लेंगे। अब गड्ढे में से निकालते हुए जहां से उसको हवा खींचनी थी उसने पानी खींच लिया, और आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं और वो डैमेज हो गई, तो उस केस में भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। अब कुछ कंपनीज ने हालांकि इंजन प्रोटेक्टर प्लस जो है वो एक प्लान निकाल दिया है, लेकिन इस चीज को वो भी कवर नहीं करता है कि आप पानी में से गाड़ी चला रहे हैं और तब इंजन डैमेज हो जाए। वो आपको कवर करके देता है, आपकी गाड़ी खड़ी थी, तेज बारिश की वजह से, किसी भी वजह से उसमें पानी चला गया, अनजाने में आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तब वो डैमेज हो गई, उसको तो वो कवर कर लेते हैं, लेकिन आप जानबूझकर पानी में गाड़ी चला रहे हैं तब वो चीजें कवर नहीं होती हैं। और क्या चीज कवर नहीं होती है वो आपको ध्यान रखना है, वो बता दे रहा हूं। अगर आपकी गाड़ी चलती चली जा रही है, बाई चांस नीचे कोई पत्थर वत्थर पड़ा है, आप खराब रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं पर नीचे गाड़ी का चैम्बर लग गया, अब चैम्बर लगने के बाद क्या होगा, उसका ऑयल जो है वो सारा का सारा लीक हो जाएगा, ऑयल लीक हुआ, उसके बाद इंजन गर्म हुआ और वो सीज हो गया। तो ये भी इंजन प्रोटेक्टर प्लस के साथ कुछ कंपनीज देती हैं, लेकिन ज्यादातर केस में आपको इस केस में भी
कोई भी वारंटी तो नहीं मिलनी है क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेज है, और इस केस में आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है चैम्बर का, इंजन का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। चैम्बर का एक्सीडेंट होने के बाद ऑयल लीक हुआ, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इंजन डैमेज हुआ है, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। डायरेक्ट एक्सीडेंटल की वजह से इंजन डैमेज नहीं था, इंजन डैमेज किया आपने, वहां पर भी क्लेम नहीं मिल रहा है। अब एक और केस क्या हो सकता है, बहुत सारे इंजन है जो अब टर्बो के साथ आ रहे हैं, अब आपने गाड़ी चलाई, चलते चलते टर्बो फेल हो गया जिसकी वजह से आपका इंजन जो है वो सीज हो गया है। इंजन सीज होने की वजह से क्या फिर से आपको कोई क्लेम वगैरह मिलेगा या आपको वारंटी मिलेगी? तो अगर आप आउट ऑफ वारंटी है ना, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। रही बात क्लेम की, तो क्लेम भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोई डैमेज उस वजह से नहीं है, एक्सीडेंटल डैमेज ये नहीं है, ये चलते चलते मैकेनिकल फेलियर आप इसको बोल सकते हैं, आपकी जो मशीनरी है ना वो फेल हुई है, कोई डैमेज नहीं हुई है किसी भी बाहरी एक्सीडेंट की वजह से। मशीन फेल का कभी भी क्लेम आपको नहीं मिलता है और इसको आप इंजन प्रोटेक्शन प्लस में भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपके पास वारंटी है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपने एड ऑन इंजन प्रोटेक्शन कवर ले रखा है, तो उसकी भी ना अलग 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 बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, गाड़ी को चलाए चले जाते हैं, फिर सोचते हैं यार अब हमें कोई टेंशन नहीं है, और उसके बाद हमारी गाड़ी जब डैमेज हो जाती है ना, तब हमें पता लगता है। एक और कंडीशन है, अगर आपको उसका पता था नहीं पता था, इनमें किसी का पता था नहीं पता था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, सामने से किसी ने ठोक दी या आपसे कहीं पर ठुक गई, और उस केस में आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो डैमेज हो गया है, तो इस केस में क्या आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनी तो अब भी बोल सकते हैं ना आपने जानबूझकर डैमेज किया है, इसमें हम आपको क्लेम नहीं देंगे, तो इन दैट केस आपको क्लेम मिलेगा। आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं ले रखा है तो भी आपको क्लेम मिलेगा। इंजन प्रोटेक्शन कवर काम करता है स्टैंड अलोन। अगर आपका सिर्फ इंजन डैमेज हो गया है, आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, गाड़ी आपकी वैसे ठीक है, आप जा रहे हैं कहीं पर भी, एक्सीडेंट हो गया पूरी गाड़ी का, उस टाइम पर पूरी गाड़ी एक यूनिट मानी जाती है, तब इंजन को अलग से काउंट नहीं किया जाएगा, जो भी डैमेज हुआ है वो सब मिलेगा। लेकिन अगर पानी की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से आपकी बाकी गाड़ी ठीक है, आपका इंजन खराब हो गया है, तो इन दैट केस देखा जाएगा उसमें आपकी नेग्लिजेंस है या नहीं है। और वारंटी का भी एक और फंडा क्या है, मान लीजिए आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं, अब गाड़ी ओवरहीट हो गई है, ओवरहीट होने की वजह से वो जो है इंजन सीज हो गया है, तो उसको चेक करते हैं, मान लीजिए कोई वॉल्व वगैरह है, एक इसमें कैप होती है जो थर्मोस्टेट कैप होती है जो प्रेशर को रिलीज करती है, अगर वो खराब है, कोई इंटरनल पार्ट है जिसकी वजह से इंजन गर्म हुआ फिर वो सीज हो गया, तो इन दैट केस आपको वारंटी मिल जाती है, बेशक उसने लाइट दिखाई है, इन दैट केस आपको मिल जाती है, वो आप बताया जाएगा आपकी तरफ से कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ के चला गया था, उसने ऐसे ऐसे दिक्कत कर दी, वो कैप ने दिक्कत कर दी, इंटरनल कोई भी है, तो उस केस में आपको वारंटी मिल जाती है। लेकिन अगर बाई चांस आपकी गाड़ी कहीं से थोड़ी बहुत नीचे लग गई है, आप ध्यान नहीं देते हैं, ऑयल वगैरह लीक हो गया है, आप स्टेटमेंट कुछ ऐसी देते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था, ओवरहीट का साइन आया, मैंने देखा नहीं, तो बहुत सारी चीजें आपके स्टेटमेंट पर भी डिपेंड करती है, आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वारंटी है या नहीं है, आपने इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं है, एड ऑन ले रखा है नहीं है, तो भी बहुत सारी कंडीशन है, ये आप ध्यान रखिए, तो आपकी गाड़ी जो है काफी ठीक रहेगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और कंडीशन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी जवाब देने की। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।